इंद्री की अनाज मंडी में लिफ्टिंग की समस्या से आरटीओ को दो चार होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लिफ्टिंग के लिए लगाई गई लेबर लोकल होने के कारण वह समर्थ नहीं है, जिस वजह से एक गाड़ी को लोड करने में 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। लोकल लेबर ने लिफ्टिंग को लेकर कई बार तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आरटीओ एवं ठेकेदारों के द्वारा समझा बुझा कर बड़ी मुश्किल से लिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। लेबर के ठेकेदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बिहार से लेबर नहीं आ सकी। बिहार की लेबर यदि होती तो लिफ्टिंग की किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना आती। इस बार बिहार की लेबर ना आने होने की वजह से लोकल लेबर से ही काम चलाना पड़ रहा है। यह लोकल लेबर गेहूं की उतारने व जराई भरत का काम तो कर सकती है, लेकिन लिफ्टिंग का काम करने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से हमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपको बताते चले कि लोकल लेबर में लगे मजदूर भी कह रहे हैं कि हम लिफ्टिंग का कार्य नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से हमें लिफ्टिंग करनी पड़ती है। देखिए एक रिपोर्ट। सर जी, लेबर जो है ना थोड़ी कम है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, चल ही रहा इतना तो हर साल मतलब स्टॉक होता ही है। हर रोज का माल जितना आता ना उतना नहीं उठ पाता, आता जैसे 50-60 हज़ार बैग उठते तो 20-25 जा रही है ना, इतने जितना माल उठा सका उतना उठता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली इतनी परेशानी नहीं है भाई, माल सारे साइड जो है भरे पड़े हैं, और दिक्कत आड़तियों की भी दिक्कत हो रही है, जिम्मेदारों को भी अनाज डालने तो कहाँ डाले। नहीं, अनाज डालने के लिए तो स्पेस बहुत है जिम्मेदार के पास, सारा माल तो साइड में आ नहीं सकता ना, साइड थोड़े हैं मंडी में, साइड में तो अतन माल हमेशा भारी डलता है। थोड़ा ये तो मौसम की वजह से ऐसा हो गया, कुछ माल बिक गया है तो थोड़ा उसको सुखाना पड़ता है, इसलिए माल रुका हुआ है। बाकी ये बात नहीं है कि भाई लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं है, लेबर थोड़ी नहीं है, उसमें टाइम लगता है गाड़ी लोड करने में। जैसे परमानेंट लेबर 45 मिनट में गाड़ी लोड करती है, इनको 2 घंटे लग जाते हैं गाड़ी लोड करने में, इसलिए इतनी समस्या होती है। मतलब एक्सपर्ट नहीं है? एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी मिली जुली लेबर चल रही है, मतलब जो है काम चला ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं चल रहा मंडी में। लिफ्टिंग की समस्या पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लिफ्टिंग की समस्या का मेन एक ही कारण है, वह है लोकल लेबर। लोकल लेबर से केवल भराई तलाई तो हो रही है, लेकिन वो लिफ्टिंग गड्डी लोड करने में सक्षम नहीं है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी का सामना आड़ती भाइयों को करना पड़ रहा है, और इसका असर हमारी लिफ्टिंग पर भी पड़ रहा है। सभी आड़ती भाई पूरी जोर से कोशिश कर रहे हैं, बाहर से लेबर का भी प्रबंध कर रहे हैं ताकि लिफ्टिंग फास्ट से फास्ट हो सके। प्रशासन की तरफ से सभी मंडी अफसर या मार्केट कमेटी सेक्रेटरी पुरजोर से मंडी का दौरा कर रहे हैं लगातार, ताकि जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग का सुधार हो सके। पर सबसे मेन बात है लेबर की, लेबर बिहार से आनी थी, जो लॉकडाउन की वजह से रेल नहीं चली उसकी वजह से वो किसी के पास उस समस्या का नहीं है। लोकल लेबर से लोडिंग का काम बहुत कम मात्रा में हो रहा है। कोई किस्म की दिक्कत आ रही है? किस किस प्रकार की दिक्कत है? हम कभी भी हमने ये काम नहीं किया, लॉकडाउन के कारण हमने ये काम करना पड़ रहा है। हमारा अपना ठेकेदारी का काम भी है, मजदूरी का उसका भी काम है, चढ़ाई का, मिस्त्रियों का, टैलों का, और अपना प्लम्बर का भी काम है, कई काम है। लॉकडाउन के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं, जो हमारे पे ठेकेदार ज़्यादा काम करा रहे हैं रात के 11 बजे तक 12 बजे तक, जबकि नहीं होता हमारे से लोडिंग वाला काम, तो बिल्कुल ही नहीं होता हमारे से। कैसे काम कर रहे हो आप लोग? कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं सर, बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएंगे, कहाँ से रोटी खिलाएंगे। हमारे काम थे जो हमारी दुकानदारियाँ थी सब बंद हो गई है, सब ठप हो गई है, काम करना पड़ रहा है आप लोग, मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेबर को कोई पर सहयोग नहीं मिला, मास्क वगैरह या सैनिटाइजर किसी ने नहीं दिया, यहाँ ना किसी आड़ती ने दिया ना किसी ठेकेदार ने दिए। अच्छा जी, दिक्कत तो कुछ नहीं है जी, जो लॉकडाउन का चक्कर है जी उसके चक्कर में काम तो करना पड़ेगा, बाहर की लेबर तो आ नहीं सकती, यहीं की लेबर ही जैसे भी हैं बंदे, टूटे फूटे अनजान वगैरह जैसे भी हैं, सारे काम कर ही रहे हैं जी, काम को तकरीबन कवर कर रहे हैं। काम नहीं, आप लोगों को इतना अनुभव नहीं था इसका, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं। देखो जी, मजदूरी का अनुभव तो हमारे को है, इस काम की पूरे तजर्बा नहीं है, जो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, बाकी बाहर जो काम करते हैं खेतों में या शहर में उसके चक्कर में प्रॉब्लम तो आएगी, ये भारी काम है, वहाँ थोड़ा हल्का होता है, यही प्रॉब्लम है। थकावट तो होती है, काम जब भारी है तो थकावट तो होएगी। प्रशासन की तरफ से कुछ आपको मास्क वगैरह सैनिटाइजर दिए गए हैं कैसे? जी हाँ, तकरीबन पुलिस आती है, मास्क वगैरह भी दिए जाते हैं, पर मास्क ज़्यादा टाइम नहीं रुक नहीं सकते ना। कारण क्या, मास्क क्यों नहीं लगा पाते? मास्क इसलिए नहीं लगा सकते कि जब काम करते हैं, भारी काम करते हैं, आप पीपा चलाएँगे या बोरी उठाएँगे तो उसमें सांस लेने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इसलिए मास्क वगैरह ज़्यादा देर नहीं लगा सकते, पर ना कुछ टाइम तक रख सकते हैं, ये गमछा जो है ये अपना कुछ टाइम तक रख सकते हैं, तो जब बैठते हैं तब उसको लगा लेते हैं।
और कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल लेवल पे लिफ्टिंग बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इन्हें करी नहीं कभी भी, एक्सपीरियंस नहीं है इनका। इन्होंने ला देने का नहीं पता भी कितने कट्टे ला देने कितने ना ला देने। उनको जो एक्सपीरियंस जो जो पक्की की लेवर होती थी वो पूरी बढ़िया नव आड़ती को जरूरत थी खड़े होने की। हरी आड़ती भी सारे ट्रक में खड़े होते हैं, एक एक बोरी को तो गिनते हैं जब जाके ट्रक लोड होता है और दो दो तीन तीन घंटे एक ट्रक में लग जाता है। तो लोग लेबर वाले कह रहे हैं लेबर को सबको नहीं मिला जी, एक दो मिला तो एक दो यहाँ 20-20 लेबर है तो फिर एक ही दो से क्या होगा जी। ये बात है तो बहुत आता है जी, सांस चढ़ जाता है काम करने में, वो जब मुँह में लगाते हैं तो सांस चढ़ जाता है तो दिक्कत है, फिर खुलना पड़ता है, इसलिए पढ़ना सपना किसी तरह ढकढुक कर लेते हैं। ये तो कितने लोग आपके पास अभी लेबर? हमारे पास 20 है जी। तो कह रहे भैया ज़्यादा देर काम कराते हैं कुछ इस तरह की? हाँ यही बात है जो कि काम तो चलो 10 बजे रात तक काम तो करता है, दिक्कत सिक्कत किसी तरह 10 बजे के बाद चाहे कितनों काम है आधी गड्डी लोड है वो भी छोड़ देते हैं, अब हम नहीं करेंगे नहीं करते रहते, फिर सवेर में आता है तो फिर लाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.